हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पर बैठने टेस्ट 2021 की जो है कट ऑफ से रिलेटेड में आपको जो है काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला, क्योंकि यार काफ़ी स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूज़न है कि सर अगर मैं पिछले बार की मैंने जो है कट ऑफ देखी तो उसमें जो है इतने मार्क्स पर कॉलेज मिली थी, गवर्नमेंट कॉलेज इतने मार्क्स पर मिली थी सर, प्राइवेट कॉलेज इतने मार्क्स पर मिली थी एंड सर पेमेंट शीट, तो सर इस बार कितना रह सकता है। सभी चीज़ें मैंने आपके कमेंट रीड किए एंड उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कम्प्लीटली जो भी जो है RPUT का एग्ज़ाम दिया एंड जो काउंसलिंग करवाएगा वो स्टूडेंट इसको कम्प्लीटली देख लेना, ये आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको वेटनरी से संबंधित एंड BBSC एंड AH एंड RPUT AHDP से संबंधित आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट का तो एक बड़ा कमेंट है कि सर जिनके मार्क्स हमारे मान लो कि जिनके कम है, अब कम का मैं यहाँ पर जो है आपको ऐसे मार्क्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए जो पेपर हुआ था, ठीक है, RPUT का पेपर हुआ था इस बार एंड जो मैंने पेपर भी कम्प्लीटली जो है देखा है एंड उसके मैंने आपको आंसर के भी दी है और आपने भी अपनी आंसर के चेक की होगी कि आपके कितने मार्क्स जो है वहाँ पर बन रहे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो है आपके मान लो कि अगर आपके 400 मार्क्स बन रहे या फिर आपके 500 मार्क्स बन रहे या फिर आपके 500 प्लस है या फिर आपके 600 प्लस है, ठीक है, इनमें अगर आप हो यहाँ पर, ठीक है, यानी मैं अगर यहाँ पर बताऊँगा आपको कि 510 किसी के है, 520 ये नहीं कहूँगा, इन तीन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिनके भी 600 प्लस से, जिनके भी 400 प्लस से और जिनके भी 500 प्लस से, ठीक है, इन तीन ही कैटेगरी को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। उसी के साथ में मैं जो है सभी कैटेगरी की इसी वीडियो में 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। पहले बता दूँ जो भी जो है काउंसलिंग करवाएगा वही इस वीडियो को कम्प्लीटली देखे, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी की मैं आपको बताऊंगा, उसी तीन कैटेगरी के इन 600 400 एंड 500 की बताऊंगा जिनके भी मार्क्स है, उसके बाद में आपको जो है सभी कैटेगरी की भी जो है कट ऑफ बता दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जिनके भी 600 प्लस मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट पिछली बार की मैंने देखी थी जो है कट ऑफ देखी थी एंड जो पिछले बार की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी मैंने जो है काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जो है ऑफलाइन जो काउंसलिंग हुई थी, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं पिछले बार नवंबर में जो है ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी RPUT की, और उस ऑफलाइन काउंसलिंग में जिनके 200 से 250 मार्क्स भी थे ना, क्योंकि वैकेंट सीट थी प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर जो है उनको भी सीट मिल गई थी। क्या इस बार भी हो सकता है? लेकिन उसकी हम पहले से ऐसे नहीं फिक्स करते कि हाँ उस पर सीट मिल जाएगी, वो सभी बाद की बातें जब वैकेंट सीट होती है। तो स्टूडेंट जिनके भी 600 मार्क्स है, ठीक है, जैसे वैसे स्टूडेंट काउंसलिंग तो सभी को करवानी है। काउंसलिंग ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि वो स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स वो काउंसलिंग ना करें, स्टूडेंट काउंसलिंग तो आपको ज़रूर करवानी होगी, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो पिछले बार से जैसे 6th से 7th राउंड या फिर 8th राउंड तक जो है काउंसलिंग हो, तो मान लो कि आपको बार बार काउंसलिंग नहीं करवानी होती है, एक ही काउंसलिंग में आपके सभी राउंड में आप जो है भाग ले सकते हो, ठीक है, तो आप काउंसलिंग जरूर करें। तो देखिए स्टूडेंट जिनके भी 600 से प्लस जो है 600 प्लस से मार्क्स बन रहे, ठीक है, 600 प्लस या फिर 650 से प्लस, तो सबसे पहले मैं 650 वालों को बता दूं, जिनके भी जो है स्टूडेंट के 650 से प्लस है वो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाए, उनको जो है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, उनको फर्स्ट राउंड में ही जो है कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं पिछले बार के आपने भी वीडियो देखा होगा उसमें मैंने जो है काफ़ी स्टूडेंट के नेम वाइज उनकी जो है मैंने आपको बताई थी कि इनकी ये रैंक रही थी एंड इतने मार्क्स पर इनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है। स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है, फर्स्ट राउंड एंड जो सेकेंड राउंड होता है, इन दोनों में क्या होता है मैं आपको बता दूँ, इन दोनों में जिनकी अच्छी रैंक होती है, मतलब यहाँ पर मैं बताऊँ 100 से लेकर अगर 100 रैंक तक देखूँ तो स्टूडेंट जिनके भी मान लो फर्स्ट से 30 से जो है 35 तक, फर्स्ट से लेकर 30 से 35 स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में ही जो कॉलेज मिलती है। सेकेंड राउंड से अगर आप देख सकते हो तो 50 से 70 से लेकर जिनके भी जो रैंक है उनको जो है सेकंड राउंड में मिल जाती है। तो स्टूडेंट आपको जो है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जिनके भी 650 या फिर 600 से अबव मार्क्स है, 650 को मैं जो है ज़्यादा मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि उनको जो है फर्स्ट राउंड में जो है 100% कॉलेज मिलने के चांस है एंड 600 मार्क्स जिनके भी है उनको सेकेंड राउंड तक कॉलेज अलाउट हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगर आपको कट ऑफ की बात करूँ कि सर इस बार हाई रहेगी या फिर लो रहेगी, तो स्टूडेंट कट ऑफ की जो है हर बार थोड़ी ना थोड़ी तो हाई रहती है। 2018 की देख लो, 17 की देख लो या फिर 19 की देख लो या फिर 20 की देख लो,
हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स काफ़ी डिफरेंस रहा है। एंड एक जो बड़ा डाउट रहता है कि सर फीमेल में एंड मेल में जो है कितने मार्क्स का जो है फ़र्क होता है। जैसे कि अगर मान लो कि मेल कोई काउंसलिंग करवाए एंड उसके जो है 650 है एंड उसी उसी कैटेगरी की फ़ीमेल है, उसी के भी मान लो कि 650 या फिर मान लो कि 640 नंबर है, तो सर क्या फ़र्क रहेगा। तो स्टूडेंट जो मेल एंड फीमेल है उनमें जो है 5 से 10 मार्क्स का आप जो है मान सकते हो। अगर फीमेल के 640 है, वो भी अगर जनरल SC ST कैटेगरी कुछ भी जो कैटेगरी हो उनसे हैं, तो वो जो उनको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट जिनके भी 550 प्लस मार्क्स है, तो स्टूडेंट काउंसलिंग तो इनको भी करवानी होगी। इनको जो है स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल नहीं है कि सेकंड राउंड मिले या फिर थर्ड राउंड में कॉलेज मिले, क्योंकि स्टूडेंट जो पिछले बार का यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड देखा है, तो जो है कई स्टूडेंट थे जिनको 550 से प्लस भी मार्क्स थे, तो उनको जो है थर्ड से फोर्थ राउंड में जो है कॉलेज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, जिनके भी 400 प्लस मार्क्स है उनको भी जो है काउंसलिंग तो करवानी है, लेकिन उनको भी जो है कॉलेज जो है अलाउट होने के चांस तब रह जाते हैं जब जो है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड एंड जो थर्ड राउंड की सीटें अगर मान लो कि वैकेंट रहती है, तो जो है फोर्थ राउंड में या फिर जो है फिफ्थ राउंड में अगर होता है तो 400 प्लस मार्क्स भी भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जो जनरल OBC एंड EWS, इन तीन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इनका जो है 2016 से लेकर आप देख सकते हो 2020 तक की हर बार जिन स्टूडेंट के भी जो है 650 से प्लस मार्क्स है, 650 से प्लस मार्क्स है, केवल उन्हीं को जो है फर्स्ट एंड जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिली थी। तो आप देख सकते हो कि कितना इसमें जो है कट ऑफ हाई जाते हैं। जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी में जिनके भी 650 से प्लस मार्क्स थे उन्हीं को केवल कॉलेज अलाउट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो इन्हीं कैटेगरी की ठीक है फीमेल है उनको भी मान लो 5 से 10 मार्क्स कम कर लो, केवल उन्हीं को कॉलेज अलाउट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ SC ST एंड MBC। SC ST MBC की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जिन स्टूडेंट के भी ठीक है 600 से प्लस मार्क्स है उनको कॉलेज अलाउट होने के चांस है फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में। ठीक है, एक जो बड़ा डाउट रहता है कि सर काउंसलिंग जो है हम एक बार करवा लेते हैं, ठीक है, तो सर क्या बार बार राउंड के लिए करवानी होगी? कि जी नहीं, आपको बार बार राउंड के लिए काउंसलिंग नहीं करवानी होगी, वहाँ पर केवल आपको अपडेट डालना है या फिर अपने आप जो हो जाएगा राउंड के लिए, तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको पता ही होगा, या फिर मैं एक वीडियो और बना लूँगा डॉक्यूमेंट से संबंधित, उसमें मैं आपको और बता दूँगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने जो है कट ऑफ भी देखी है, अब आप सोच रहे हो ठीक है, एक बड़ा डाउट मैं आप सब जो है आपके दिमाग में चल रहा है जो इस वीडियो को देख रहा है कि सर मेरे तो जो है 300 से 400 के अराउंड मार्क्स ही इनके बीच में ही, तो सर मैं क्या करूँ? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हर बार क्या होता है, राजस्थान प्राइवेट में एक प्री एग्ज़ाम होता है, तो इस प्री एग्ज़ाम में भी जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए, तभी आपको एक अच्छा जो है कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो 300 से 400 भी जिनके मार्क्स हैं उनको भी काउंसलिंग तो करवानी ही होगी। ठीक है, करवानी होगी मतलब आप करवा सकते हो, और इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप पेमेंट शीट या फिर जो पेमेंट शीट भी अगर आप लेना चाहते हो, तो पेमेंट शीट के बारे में जो आपको कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना होता है या फिर वहाँ से आप जो है पर्सनली भी मिलकर बातचीत कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाते हो तो फिर वो नहीं होता है, तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। एंड जिनके जिन स्टूडेंट के, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में, जिनके 200 से या फिर 300 के बीच में मार्क्स है, वो स्टूडेंट क्या करें? उनका भी जो एक बड़ा जो है कमेंट है कि सर काउंसलिंग करवाए नहीं करवाए, तो काउंसलिंग तो करवा लेना स्टूडेंट। एंड यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट आप जान सकते हो कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अगर 650 से 670-680 जिनके मार्क्स है केवल उन्हीं को कॉलेज अलाउट होता है, तो फिर उतनी तो सीटें ही नहीं, क्योंकि कुछ सीटें जो है पेमेंट सीट में चली जाती है 15% कोटे के हिसाब से, तो वो जाती है सभी अगर देखें तो फिर जो है काउंसलिंग के हिसाब से जो कॉलेज मिलती है वो केवल जिनके अच्छी रैंक होती है उन्हीं को दी जाती है। तो स्टूडेंट ये वीडियो जो आपको कम्प्लीटली जो है समझ में आया होगा, एंड इसके बावजूद भी आपको कोई भी मार्क्स से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट हो कि सर मेरे इतने मार्क्स है, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, तो आप जो है मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है ashokprajapat952 वहाँ से कमेंट कर सकते हो, एंड या फिर जो है कमेंट बॉक्स की सहायता से भी आप मुझसे जो है कुछ भी जो है वेटनर संबंधी या फिर BVS CS कोर्स से संबंधी आप मुझसे जान सकते हो। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।